दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाना चाहूंगा। ये हमारे पास है रेडमी A3X फोन। अगर आपके पास यही सेम मोबाइल है या फिर रेडमी A3 सिर्फ है और इस फोन में आप जो है ऐप हाइड करना चाहते हैं यानी ऐप को छिपाना चाहते हैं तो कैसे आप छिपाएंगे। अगर आप इस मोबाइल की सेटिंग में जाओगे और ऐप हाइड का ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करोगे तो कहीं पर दोस्तों इनबिल्ट फीचर ऐप हाइड का नहीं मिलता है इस फोन में। ठीक है, तो कैसे इस मोबाइल में आप ऐप हाइड करोगे? एक दोस्तों छोटी सी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी। काफी अच्छी एप्लीकेशन है, मैं भी काफी दिनों से इसको यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो कैसे आप ऐप को डाउनलोड करोगे चलिए मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इसके लिए फ्रेंड्स आपको जो है अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन होने के बाद यहाँ पर सर्च पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको लिखना है माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर लिखेंगे तो ये वाली एप्लीकेशन आ जाएगी। इस एप्लीकेशन को आप देख लीजिए, उसके बाद इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे। उसके बाद अब आपको वीडियो एकदम ध्यान से समझना है, कोई भी जल्दबाजी आपको नहीं करना है क्योंकि इस ऐप की सेटिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहां पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है। ओपन के ऑप्शन पर आपको इस तरह से क्लिक करना है। उसके बाद गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर परमिशन आपको अलाउ करना है इस तरह से। ठीक है, परमिशन तो दोस्तों मैंने अलाउ कर दिया है यहां पर, देखिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्कीप का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। नॉट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नॉट नाउ के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर यहाँ पर प्रोसेसिंग लेगा इस तरह से। उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट गो आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर सेटेस्ट डिफॉल्ट जो दिख रहा है इस पर आपको इस तरह से क्लिक करना है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर आएगा, इस पर आपको टिक लगाना है। इस पर टिक लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर बीच पे इस तरह से टिक लगाना है। ठीक है, अब इस तरह से ऐप ड्रॉअर में आएंगे। उसके बाद अब यहाँ पर थ्री डॉट ऊपर की तरफ दिखेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। हिडन ऐप्स का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों हाइड ऐप्स का ऑप्शन आ रहा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जिस भी एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं उस पर टिक लगाएंगे। फेसबुक को हाइड कर दिया है और यहां से क्रोम ब्राउजर को हाइड कर लेता हूं। डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये ऐप हाइड हो चुके। चले बैक करके मैं आपको दिखा देता हूं। बैक किया, बैक करने के बाद फेसबुक को हाइड किया था और क्रोम ब्राउजर को हाइड किया था। अब यहां पर देखो दोस्तों, देखिए दोनों नहीं दिख रहे हैं, ये फेसबुक लाइट सिर्फ दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इस मोबाइल में आप ऐप हाइड कर सकते हो। आपका मन हुआ अगर चलाने का तो चलाएंगे कैसे, यहां पर थ्री डॉट आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। हिडन ऐप पे क्लिक करेंगे, यहां पर हाइड वाली ऐप आ जाएंगी। तो यहां से दोस्तों आप जो है हाइड वाली ऐप को चला सकते हो।